नमस्ते बच्चों। तो हम आज जो है वो हम जो हमारे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 14 नंबर का एलिमेंट कंपोनेंट मिक्सचर, उसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए सेकंड पार्ट जो है वो बहुत इजी है, कोई इसमें डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे क्या बताया गया है, देखिए कोई जो सब्सटेंस होते हैं या कोई जो मैटर होता है वो एक चीज से बना होता है, कोई जो है वो अलग अलग चीज़ों से आपको बनते हुए देखने को मिलता है। जैसे गोल्ड की बात करें यानी सोना, सोना जो बना है वो सिर्फ गोल्ड से बना है, उसमें दूसरी कोई चीज़ उसमें मिक्स नहीं है। और कोई कोई चीज़ होती है, जैसे हम मिल्क की बात करें तो इसमें लैक्टोज होता है, सुक्रोज होता है, पानी होता है, वाटर होता है और भी बहुत सारे सब्सटेंस होता है, ठीक है, उसका व्हाइट कलर होता है। तो ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें मिक्स होती है। तो इसमें यही बताया गया है कि कुछ चीज़ें जो है वो अलग अलग चीज़ों से बनाई जाती है जिसको मिक्सचर बोला जाता है, और जो सब्सटेंस जो चीज़ एक ही हिस्से बनाई जाती है उसको, जिसमें एक ही कंस्टिट्यूएंट होता है उसको सब्सटेंस बोला जाता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे, देखिए इन डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी थिंग इन आवर सराउंडिंग। हम जैसे यानी दिन भर हमारे जो है वो सराउंडिंग में अलग अलग चीज़ें आती है, वी टच देम, वी स्टडी देयर प्रॉपर्टीज, हम उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टीज की बात आती है। देखिए तो प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको दी है मास और एक वॉल्यूम, यानी जो चीज़ है उसकी दो प्रॉपर्टी यानी मैटर की दो प्रॉपर्टीज हमें देखने को मिलती है, एक होता है मास और एक होता है वॉल्यूम। मास का मीनिंग क्या होता है, हर चीज़ को कोई ना कोई मास होता है, ठीक है, और एक वॉल्यूम भी होता है। वो क्या है वो आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे आपको आएगा। प्रॉपर्टीज आर ऑल दीज थिंग्स मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ मैटर, क्या वो एक ही काइंड ऑफ मैटर से बनी है। मैटर का मीनिंग क्या होता है, सब्सटेंस, क्या एक सब्सटेंस से बनी है या फिर अलग अलग सब्सटेंस से बनी है। देखिए क्लासीफाई द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ मैटर इन देम, वेदर इट इज मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर और फ्रॉम दी वन काइंड ऑफ मैटर, यानी एक काइंड ऑफ मैटर से बनी है या दो काइंड या बहुत सारे काइंड ऑफ मैटर से बनी है। देखिए सॉलिड लिक्विड गैस है वो तो आप ढूंढ सकते हो। देखिए एनग्रेव आइडल, एनग्रेव यानी जो स्टोन वगैरह की जो मूर्ति बनाई जाती है, तो स्टोन जो है वो अलग अलग उसमें चीज़ें यूज़ की जाती है। तो ये एनग्रेव आइडल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है और ये बनाई जाती है, यानी ये मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। गोल्ड देखिए एक ही काइंड ऑफ मैटर है, मिल्क में गोल्ड जो है वो सॉलिड है और एक काइंड ऑफ मैटर से। मिल्क की बात करें तो आप भी बताओ, मिल्क में अलग अलग चीज़ें होती है, तो अदर आपको करना क्या है, वेदर इट इज सॉलिड लिक्विड और गैसेस एंड मेड अप फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर और अदर मोर देन अदर, तो मिल्क क्या है मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर और यह है लिक्विड। वाटर प्योर वाटर अगर हम बात करें तो उसमें सिर्फ वाटर ही होता है, यानी वन काइंड ऑफ मैटर से बनता है और लिक्विड होता है। प्लैंक यानी जो वुड जो है वो मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर से बना होता है और सॉलिड होता है। कॉन्क्रीट में सीमेंट भी डाला जाता है, मिट्टी भी होती है, रेती भी होती है, तो ये मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर से बनती होती है और सॉलिड होता है। सॉल्ट में सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, अलग अलग चीज़ें होती है, तो वो मोर देन वन काइंड ऑफ वाटर और सॉलिड। सॉइल की बात करें तो सॉइल में मैन्योर होता है, मिट्टी होती है, सेडिमेंट्स होते हैं रॉक्स के, तो ये मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर और क्या है सॉलिड है। सॉइल है, कोल है, स्मोक है, शरबत है, कुक खिचड़ी है, स्टीम है, तो ये जो सारे देखने को मिलते हैं। स्टीम की बात करें यानी जो वेपर होते हैं वाटर के, उसमें सिर्फ वाटर वेपर ही आपको देखने को मिलेंगे, तो वन काइंड ऑफ मैटर है और गैसीय स्टेट में है। खिचड़ी में दाल होती है, राइस होता है, तो मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर और ये सॉलिड फॉर्म में देखने को। शरबत में भी हम बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये गाइज यहाँ पे बताया गया है कि कोई कोई चीज़ें जो है वो एक काइंड ऑफ मैटर से बनी होती है और कुछ चीज़ें मोर देन वन काइंड ऑफ मैटर से बनी होती है, उसमें से कुछ सॉलिड होती है, कुछ लिक्विड होती है और किस गैस होती है। अब यहाँ पे आपको देखिए कुछ ट्राई दिस बोला है, आपको एक जो है वो ग्लास लेना है और वो पूरा बॉटम तक पूरा का पूरा फिल करना है और उसमें एक पत्थर का टुकड़ा डालना है। अब पत्थर का टुकड़ा जैसे ही डालोगे तो यहाँ से पानी जो है वो नीचे गिरेगा, जितना उस पत्थर का वॉल्यूम होगा यानी जितना छोटा होता तो छोटा थोड़ा सा पानी गिरेगा, पत्थर अगर बड़ा है तो ज़्यादा पानी गिरेगा। इसका मीनिंग क्या है, इसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम है, यानी पत्थर जैसे अंदर जाएगा तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और जितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही जो है वो पानी बाहर चला आएगा। तो ये बताता है कि कोई भी अगर मैटर है तो उसको क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी एक प्रॉपर्टी हो गई वॉल्यूम की। देखिए फिल द ग्लास ऑफ वाटर अप टू द ब्रिम, ब्रिम यानी पूरा, ड्रॉप अ स्मॉल स्टोन इन अ इट व्हाट हैपेंस, तो क्या होता है, तो हमने देखा कि वो पानी नीचे गिरेगा तो इससे पता चलता है कि उसको कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। टेक अ बैलेंस प्लेस, देखिए आपको एक बैलेंस लेना है, बैलेंस यानी जो वेइंग बैलेंस होता है, और एक इसमें जो है वो छोटा पत्थर डालना है और एक इसमें बड़ा पत्थर डालना है, तो आपको दिखेगा कि ये जो है वो ऐसा झुक जाएगा, ठीक है, जहाँ पे बड़ा पत्थर डाला है वहाँ पे झुक जाएगा। तो मैटर को जो है वो मास भी होता है, ठीक है, तो मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, ये दो एक्सपेरिमेंट से हमें जो है वो देखने को मिलते हैं।
विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन यू टेल फ्रॉम द अबव एक्टिविटीज, तो कौन सी प्रॉपर्टी हम बता सकते हैं, मैटर को मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है, ये दो चीज़ें हम इस एक्टिविटी से बता सकते हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट हैव मास एंड मैस कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ डिवाइस लाइक कॉमन मास बैलेंस, जो बैलेंस होता है ना उससे हम उसका मास जो है वो, मास और वेट में डिफरेंस होता है, मैंने किसी का वीडियो भी बनाया है, आप मास एंड वेट डिफरेंस राहुल मानकर सर्च करना आपको वीडियो मिल जाएगा। ऑल्सो दे ऑक्यूपाई स्पेस, और वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करते हैं। दे एक्वायर बोथ ऑफ दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द मैटर दैट दे मेड अप ऑफ, दे एक्वायर बोथ दिस प्रॉपर्टी, उसके पास जिससे वो बना होता है उसकी प्रॉपर्टी जो है वो ऑक्यूपाई करता है। इन अदर वर्ड्स, मास एंड वॉल्यूम आर द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी मैटर की अगर हम बात करें तो मास एंड वॉल्यूम ये दो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस किसको बोला जाता है और मिक्सचर किसको बोला जाता है। मेनी काइंड्स ऑफ मैटर फाउंड इन नेचर आर इन प्योर फॉर्म, वो प्योर फॉर्म में होते हैं, जैसे गोल्ड हमें मिलता है तो वो प्योर फॉर्म में मिलता है, उसमें कुछ मिलावट नहीं होती। दे कंटेन ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें एक ही चीज होती है। इन साइंटिफिक लैंग्वेज मैटर मेड अप ऑफ ओनली वन कॉन्स्टिट्यूएंट इज कॉल्ड सब्सटेंस, जो मैटर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट से बना है, जैसे गोल्ड है, वाटर है, सिल्वर है, ये सारे के सारे एक ही सब्सटेंस से बने। अब सिल्वर की बात करें तो उसमें तो कोई दूसरा सब्सटेंस होता नहीं है, आयरन की बात करें लोहा, तो लोहे में सिर्फ लोहा ही होता है, तो ये सारी चीज़ें को हम बोलते हैं सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड है, डायमंड है, वाटर है, चौक है। अदर काइंड्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस से बनते हैं उसको बोला जाता है मिक्सचर। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिक्सचर, वाटर जो है वो सब्सटेंस है, शरबत मिक्सचर है, आयरन जो है वो सब्सटेंस है, स्टील दो तीन जो मेटल्स होते हैं उससे बनता है तो ये मिक्सचर है, कोल भी मिक्सचर है, एयर भी मिक्सचर है, क्योंकि एयर में जो है बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है, सॉल्ट में सोडियम है, क्लोराइड है, तो ये भी मिक्सचर है। कॉपर जो है वो सब्सटेंस है क्योंकि कॉपर कॉपर से बना होता है। ब्रास, आप कमेंट में करना कि ब्रास किससे बना होता है, और सॉइल की बात करें तो ये भी मिक्सचर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे गाइस ये जो टॉपिक है सिंपल, यहाँ पे ये खत्म होता है, सब्सटेंस किसको बोला जाता है, मिक्सचर किसको बोला जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है मास एंड वॉल्यूम, वो मेन प्रॉपर्टीज़ आपको देखने को मिलती है। तो ये सिंपल सिंपल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, समझ में आए तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, बच्चों चैनल पर नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट इसमें हम एलिमेंट जो है वो स्टार्ट करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।